सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव का पेपर। आज क्लास 7 के लिए जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें आधार AB और आधार कोण B दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें आधार AB रेखा के समान हो। AB दिया हुआ है क्वेश्चन में और एक दिया हुआ है आधार कोण B। तो आधार का मतलब होता है ये आधार रेखा है, तो अगर इसके ऊपर जो कोण बन रहे हैं वो आधार कोण है। तो एक कोण तो एक्चुअली हमारे पास 90 डिग्री का आ गया हुआ है, तो दूसरा कोण जो बचता है यही कोण हमारे पास कोण B होगा और ये B बिंदु के ऊपर ही बन रहा है। तो ये हमारा इस तरह से भी लॉजिक सही आ जाता है। पर अगर उसने नाम C भी दिया होता है, आधार कोण C भी दिया होता, तो हमने फिर भी हमने उसको B बिंदु के ऊपर ही लेना था, क्योंकि अब हमारे पास जब आधार A भी दिया है तो उसमें समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आधार में दो ही कोण बनेंगे, एक 90 का बन रहा है तो दूसरा हमारे पास B कोण बनेगा जो हमारे पास दिया होगा, या C कोण बनेगा जो भी हमारे पास प्रश्न में दिया होगा। तो हमारे पास बाकी ये रेखा हमारे को पता नहीं है, ये भी रेखा नहीं है, तो हम इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको ले लेते हैं। ए बी भुजा, ए बी आधार के बराबर हमने ए बी आधार ले लेना। AB के बराबर हमारा आधार आ गया AB, ये AB के ही बराबर है, AB के ही बराबर है, और एक उसने दिया हमारे पास आधार कोण A। आधार कोण B है तो हम आधार कोण B ले लेते हैं। का नाम दिया है B, अपनी मर्जी से प्रकार खोल के A बिंदु के ऊपर हमारे पास जैसे था कि 90 का कोण बनता है, प्रकार की सहायता से क्वेश्चन होगा, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है, जहां पे स्पेशल आपको कोई निर्देश नहीं दिए हैं, तो आपने प्रकार से ही क्वेश्चन करना है, जहां आपको सेट स्क्वायर से कहा गया वहां सेट स्क्वायर का यूज करना है, अन्यथा आपने प्रकार का यूज करना है। ए बी सी डी आ गया हमारे पास, सी से डी 60 डिग्री, डी से ई डार्क करते जा रहा हूं ताकि आपको दिखता चले, आसानी से देखने में दिक्कत ना हो। ई बिंदु, ई और डी का समद्विभाग किया, सारा कार्य जो है आपका डॉटेड में होगा, क्योंकि रचना की रेखाएं डॉटेड में होती हैं, क्रिया की रेखाएं डॉटेड में होती हैं, तो हमने ये इसमें F और A को मिला दिया। अब ये हमारे पास कहां से मिलेगी, कौन सा बिंदु होगा जो B के साथ मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास यहां से इसने कोण दे दिया, वो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, या यहां जाके मिल रहा है कहीं ऊपर जाके मिल रहा है, तो ये हमारे पास वो पता चलेगा कोण B को बनाने के बाद। कोण B को बनाना है, इसके कोण बिंदु पे हमने प्रकार रखे और ये चाप लगा दिए, जितनी ये चाप लगी है उतनी ही चाप यहां पे लगा दो। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब प्रकार हमारे को छोटी करनी है या बड़ी करनी है उसको हम साइज नहीं लेंगे, ये नहीं आ रहा है तो ये से थोड़ा बड़ा है तो मैं प्रकार को खोल रहा हूं, जितने साइज का हमारे पास ये चाप है इस साइज को हम ले लेंगे
ये कट गया, जहां कट रहा है इसका नाम हमारे पास F के बाद आता है जी, सॉरी जी बिंदु यहां है, जी से काटा है, एच बिंदु आया, बी और एच को आपस में मिला के आगे बढ़ा देना है, जहां तक ये आपकी इस रेखा में नहीं मिलेगा, 90 वाली रेखा में, वहां तक आगे इसको बढ़ाते चलेगा। यह आ गया हमारे पास एच के बाद आई बिंदु, ये त्रिभुज है हमारे पास, ये बी बिंदु था, बी बिंदु के बाद बी बिंदु आ गया, इसको पक्का कर लीजिए ये आंसर है। त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज बनी है ये पूरी की पूरी हमारा आंसर है, जिसमें आधार ए बी के बराबर आधार दिया हुआ था, आधार ए बी के बराबर है, और इसमें आधार कोण ये जो बी बना हुआ है ये बी कोण के ही बराबर है। ये थी समकोण त्रिभुज जिसमें हमारे पास एक आधार ए बी दिया था और एक आधार कोण बी दिया हुआ था। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आइंदा आने वाले मेरे जो सब वीडियोस हों उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।